हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेलिब्रेट कुकिंग विद अश्मीद। अगर आप सब नवरात्रि के त्यौहार में आलू खा के बोर हो चुके हैं तो ये ट्राई कीजिए बेस्ट पनीर की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है बनाना और है टेस्ट में बहुत टेस्टी। सबसे पहले एक कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच घी का गरम कर लें, फिर डालें एक छोटा चम्मच जीरा। जीरे को हल्का भून लें, फिर डालें दो सूखी लाल मिर्च और डालें 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लगभग इस साइज़ का, अच्छे से पीसकर, और इसे 10 से 12 सेकंड के लिए भून लें। जैसे ही अदरक का रंग बदल जाए कुछ गोल्डन ब्राउन कलर में, फिर डालें एक छोटा चम्मच लाल मिर्च का, साथ में ही डाल दें एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, फिर डालें एक छोटा चम्मच सेंधा नमक जो व्रत के खाने में यूज़ किया जाता है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। फिर आप लेना 4 टमाटर और उसकी बना लेना प्यूरी। आप मिक्सी में भी बना सकते हैं या फिर ग्रेटर की मदद से भी बना सकते हैं। जैसे ही आपके मसाले और अदरक भुन जाएंगे, इस टमाटो प्यूरी को डाल देना और मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेना। अब हमें इस टमाटो प्यूरी को पकाना होगा। टमाटो प्यूरी को आप तब तक पकाना जब तक इसका सारा पानी अच्छे से सूख जाए और तेल सेपरेट हो जाए। जब तक हमारी टोमेटो प्यूरी पक रही है, तब तक एक बाउल लेना और उसमें डालना 1 चम्मच मलाई का और 1 कप दूध, और उसे अच्छे से फेंट लेना कुछ इस तरीके से। अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो मलाई अवॉइड भी कर सकते हैं। इसको फेंटने के बाद आप साइड पे रख देना और आप देखना कि आपकी टोमेटो प्यूरी का जो तेल है वो सेपरेट हो चुका है और सारा पानी सूख चुका है। इसका मतलब है कि हमारा जो तड़का है पनीर का वो रेडी हो चुका है। अब आप इसमें डालना वही मलाई और दूध का जो मिक्सचर हमने अभी बनाया था, ये हम डाल देंगे पनीर के तड़के में। इस दूध के मिक्सचर को हम अच्छे से तड़के में मिक्स कर लेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक इसका तेल अच्छे से सेपरेट हो जाए। अगर आपको पनीर पतली ग्रेवी वाला पसंद हो तो आप दूध और भी डाल सकते हो। ये पनीर की रेसिपी बहुत जल्दी रेडी हो जाती है। अब आप देखिए कि तेल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पनीर के पीसेस। यहाँ मैंने 350 ग्राम पनीर लिया है, जिन्हें मैंने कुछ स्क्वायर पीसेस में काट लिया है। अब इसे ग्रेवी में डाल देंगे इस तरीके से। पनीर के पीसेस को हल्के हाथों से ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे कुछ इस तरीके से, और 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। और लास्ट में इस पनीर की रेसिपी की हम गार्निशिंग करेंगे धनिया के पत्तों से, जिन्हें मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है, और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी नवरात्रि की पनीर की रेसिपी रेडी हो चुकी है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत टेस्टी बनती है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। फिर मिलते हैं।